नमस्कार प्रशिक्षु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपना जो सीटेट का क्लास है वो अपना मतलब स्टार्ट कर दिए होंगे, सीटेट का प्रिपरेशन भी आप स्टार्ट कर दिए होंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम डाउट है प्रशिक्षु, हम आपका क्लियर कर देते हैं और उसके साथ ही साथ खुशखबरी भी आपको सुनाने वाले हैं, क्योंकि मंडे से धमाकेदार क्लासेस यहाँ पे शुरू होंगे। यहाँ पे भी इस प्लेटफॉर्म पे भी अगर 5 बच्चा देख रहा है तो कम से कम 5 बच्चा बहुत अच्छे नंबर से पास हो, इस प्रकार के सारे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। कैसे कैसे क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं अभी, और कल से आप लोग डेडिकेशन के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है भाई, देखिए बस 2 ही क्लास हम रेगुलर चला पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा। मैं आपका 100% सियोरिटी दे दूंगा कि जिस प्रकार से मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा, अगर आप उस प्रकार से क्लासेस करते हैं तो आपका सीटेट ही नहीं बल्कि आने वाला सुपर टेट, यूपी टेट, डीएसएसबी, इन सब में भी बहुत अच्छे नंबर आप गेन कर पाएंगे, है ना। क्योंकि एक तरह से टेक्निक रूप में मैं इस चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको पीडीएफ के लिए कुछ मात्र बताएंगे उसके लिए क्या करना है। देखिए सबसे पहले बच्चों कि आप सभी के लिए यह खुशखबरी है कि 2 से लेकर 8 तक का, यानी कि 2nd से लेकर 8 तक कक्षा तक, 8 कक्षा तक के सभी सब्जेक्ट मैं बहुत ही शानदार रूप में इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बिल्कुल फ्री कराने वाला हूँ। और पीडीएफ के लिए थोड़ा सा कास्ट रखूंगा, मैं बताऊंगा, मिनिमम बिल्कुल मिनिमम 0 कास्ट के आसपास रहेगा, इतना समझ लीजिए। कि आपको अगर मैथ का लेना है तो कुछ रुपए देने पड़ेंगे आपको, समथिंग मैं बताऊंगा, आपको कम्युनिटी में लगा दूंगा। और अगर मान लीजिए आपको सारे सब्जेक्ट लेने हैं, ईवीएस के भी लेने हैं, मैथ के भी लेने हैं, हिंदी के भी लेने हैं, और प्लस आपका सोशल साइंस का भी लेना है, साइंस का भी लेना है, ये सभी लेना है, तो मात्र उससे 50-60 रुपये ज़्यादा होगा, बस यही अंतर होंगे दोनों में। मैं बताऊंगा सभी चीज़ और आपको बहुत जल्दी इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक मैं मैथ का और ईवीएस का ही पीडीएफ बना पाया हूँ, ठीक है ना। और क्योंकि बहुत बड़े मतलब कह लीजिए कि मेरा 24-25 घंटे इसी में चला गया पीडीएफ बनाने में, आप सोच सकते हैं अकेले बंदा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मैथ का पूरा अच्छे रूप से बन चुका है, कल रात से यानी कि कल मतलब मंडे 9:30 बजे यानी कि 9:30 बजे पीएम 9:30 पीएम से, यानी कि रात में 9:30 बजे से डेली एक सब्जेक्ट का क्लास में खत्म करते चलूंगा। 2 से लेकर पहले 5 तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद 6 से लेकर 8 तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, है ना। सभी सब्जेक्ट का मतलब यह हो गया मैथ, हिंदी, ईवीएस और सोशल साइंस, ये चारों, और एक साइंस भी, ईवीएस और सोशल साइंस एक ही में है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से 4 या 5 सब्जेक्ट जो है उसको मैं खत्म करते चलूंगा एक दिन में। एक पहले मैथ सभी क्लासेस का, फिर ईवीएस सभी क्लासेस का, फिर साइंस सभी क्लासेस का, ऐसे मैक्सिमम अगर मुझे लगेगा तो 1 महीने लगेगा, रेगुलर अगर बना रहा, सेहत वगैरह नहीं खराब हुआ तो, ठीक है। तो ये चीज़ें तो डेडिकेशन के साथ जुड़ जाएंगे। कल से 9:30 बजे बच्चों आपको आना ही आना है। और दूसरा क्लास, सेकंड क्लास जो आपका 12 बजे आएगा, 12 बजे दोपहर में आएगा दूसरा क्लास, 12 बजे दोपहर में आया करेगा, जिसमें कि सीटेट के मैथ, स्पेशली मैथ, केवल मैथ पेडागॉजी वाला सेक्शन पूरा फिनिश करेंगे। आपका वह सेक्शन बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। जैसे ही मैथ 10 दिन के अंदर खत्म करूंगा, फिर सीडीपी पेडागॉजी स्टार्ट करूंगा, ऐसे कर करके पूरा मैथ, फिर इसके बाद सीडीपी, एक एक सब्जेक्ट को मैं निपटाते चलूंगा। तो आपको 12 बजे वाला और एक 9:30 बजे ध्यान में रख लीजिए, 12 बजे दोपहर यानी कि 12 पीएम पर और एक 9:30 पीएम पर, आप 9:30 पीएम पर जो आप क्लासेस आपको मिलेगा वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, हर एक एग्जाम के लिए आपके, आप बहुत ही मजबूती से अपने मतलब बेसिक को मजबूत करते चलेंगे, सच बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका पढ़ाई होगा। मैं तो खुश हूँ इस बात को लेके कि मैं इतना बड़ा टास्क अपने हाथ में ले लिया हूँ, और इसको शायद मैं अगर मेरी सेहत वगैरह, हमारी सेहत सही रही तो इसको कंप्लीट भी करेंगे, ये जीत है हमारी, तो इस जीत को मुकाम तक आप पहुँचाएंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट जो आपका डाउट है कि सीटेट के फॉर्म एक तरह से जितना जल्दी भरेंगे उतना ही, हाँ एक चीज़ और है बच्चों, एक डाउट आपका यह था कि सर सीटेट के फॉर्म में जो सीटें हैं बहुत बढ़ेंगी क्या कहीं कहीं, तो हम आपको बता देते हैं बढ़ें या ना बढ़ें, लेकिन अभी आपके शहर में जिस शहर में आप भरना चाहते हो अगर वहाँ पे सीटें फुल हो चुकी हैं, तो आप एक लोकेशन लीजिए कि हमारे यहाँ से मतलब जो सेंटर अभी बचे हुए हैं वो हमारे यहाँ से नज़दीक कौन है, उसको आप फिल कर दीजिए, नहीं तो वो अभी नहीं मिलेगा। मे बी लास्ट में एक ऑप्शन आए अंत में, जिस समय आप पेमेंट वगैरह का लास्ट डेट हो तो उस समय एक ऑप्शन आपका दिखने को मिल जाए कि हाँ बच्चे, जो बच्चे एक तरह से कहीं ना कहीं जो आप सीटें हैं बढ़ी हुई हैं, तो आप बच्चे फिर से अपना एडिट कर सकते हैं, ठीक है ये चीज़ें। लेकिन पहला प्राथमिकता आपका है पहले भरना है मुझे, ठीक है।
दूसरी तरफ अगर बात करें परसिस्टू यूपी टेट आएगा कि नहीं, देखिए बहुत सारे बच्चे कहने सर यूपी टेट मई में आ जाएगा तो फिर हम तैयारी किसका करेंगे, तो हम आपको बता देना चाहते हैं बच्चों ऐसा कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है। हाँ क्रोम वगैरह पे गूगल पे ये सब पे सर्कुलेट हो रहे हैं कुछ नोटिफिकेशन, तो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं है, ना ही आयोग की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन है, ना ही हमारे राज्य सरकार की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन है। तो यूपी टेट के लिए अभी आप चिंता छोड़ें, जो चीज़ें सामने नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सामने हैं पहले उसको लेकर चलें। आप चाहेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से जितना मैं तो पढ़ाऊंगा सी टेट का वह प्लस एक एक प्रैक्टिस सेट सबके पास होना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन वाला, जो दो साल से ऑनलाइन पेपर हो रहा है उसका पूरा प्रैक्टिस सेट 42-42 सेट ऐसे कुछ करके हैं। फिर उसके बाद एक आपका कह लीजिए कि ऑफलाइन का अगर 26-27 टेस्ट अगर आपने लगा लिया अपने आप से, अपने से दिन में एक टेस्ट अभी से लगाना शुरू कर दीजिए, कम से कम दिन में एक टेस्ट प्लस उसका एक तरह से एनालिसिस करिए, अच्छे से करिए। उसके बाद जब वो खत्म हो जाए 25 टेस्ट वाला फिर उसको रिवाइज भी करिए, आप दो दो टेस्ट का रिवाइज करिए, तो इस प्रकार से चलिए और जो क्लासेस हम ले रहे हैं उसको लेते चलिए। बाकी अगर अलग से एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संस्कृत का एक सर्वज्ञ भूषणम करके वो बुक ले लीजिए, है ना, और प्लस आपका अगर लेना ही है तो कोई एक पेडोगॉजी का स्पेशल बुक ले लीजिए, है ना, जो केवल प्रैक्टिस सेट वाला हो, तो ये सारी चीज़ें लीजिए। और ज़्यादातर प्रयास करिए कि मैं बुक से पढ़ूँ और कहीं जहाँ मुझे ठोस पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ से पढ़ूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग गुमराह करते हैं अपने कोर्स बेचने के लिए, बच्चों को कुछ शॉर्ट चीज़ें बता देते हैं और वह चीज़ें उनको ऑफर देते हैं कि आप आ जाओ एप्लीकेशन पे, ठीक है, यह चीज़ें हैं। तो बस ये चीज़ें हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड है आप किस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली है दूसरी बार बच्चों, क्योंकि अभी 4 महीने पहले एग्जाम हुआ था, आप कुछ भूले नहीं हो, बस रिवाइज करोगे तो वह सारी चीज़ें ताज़ा हो जाएंगी। अब देखिए मेरे भाई एक सीटेट वही फर्स्ट और सेकंड के फैक्टर के बारे में मैंने उसको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाला हुआ था। तो जो सीटेट वाले बच्चे हैं जो या फर्स्ट और मतलब सेकंड पेपर को लेके, मतलब डीएलएड वाले बच्चे फर्स्ट और सेकंड को पेपर को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो मैंने बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ, ऐसे बच्चे ऐसे मतलब सीटेट सभी राज्य के होता है, तो ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर रहे हैं वो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों डाल सकते हैं, और ऐसे बच्चे जो ट्वेल्थ के बाद ही डीएलएड कर रहे हैं, है ना, एलिमेंट्री डिप्लोमा या कर रहे हैं, तो वह केवल फर्स्ट पेपर डालेंगे, यह चीज़ें दिमाग में रख लेना बच्चों। और दूसरी तरफ बच्चों एक जब एजुकेशन वाला जब आप डाल रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, उसमें आपको दिक्कत आ रही है सीटेट के फॉर्म फिल करते समय कि सर उसमें 1, 2, 3, 4, 5 दिया है क्या डालें, तो डीएलएड वाले बच्चे सुन लें, फर्स्ट वाला पेपर है तो एक डाल देंगे और सेकंड वाले में भी एक डालेंगे, फर्स्ट वाले में भी एक वन सेलेक्ट करेंगे और सेकंड वाले में भी वन सेलेक्ट करेंगे, यह डीएलएड वाले बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं, है ना, वन वन सेलेक्ट कर देंगे। और मतलब और आपका पता है सेकंड पेपर में अगर आप सोशल साइंस लिए हैं तो याद रखना है सोशल साइंस, अगर आप साइंस ले रहे हैं साइंस और मैथ बैकग्राउंड आपका है तो साइंस और मैथ सेलेक्ट करेंगे सेकंड पेपर के दिन, वही आपको पढ़ना है, वही 60 नंबर में आएगा प्रश्न, ठीक है बच्चों, यह चीज़ें हो गई। इसके लिए मैं सेपरेट इसके अकॉर्डिंग सेपरेट बुक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा मैं, उसको आप देख लेंगे। और जो बच्चे बीएड वाले हैं, है ना, जो बच्चे बीएड हैं, अगर बीएड अगर प्राथमिक पेपर के लिए बात करें हम, अगर प्राथमिक पेपर के लिए हम बात करते हैं, प्राथमिक में अगर देखा जाए तो बच्चे जो बीएड वाले हैं वह 5 सेलेक्ट करेंगे, 5 सेलेक्ट करेंगे वह बच्चे जो ट्वेल्थ के बाद ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और जो बच्चे ऐसे हैं जो एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह से जो कि मतलब कि इंटीग्रेटेड बीएड कर रहे हैं, एमएड और बीएड मतलब एक इंटीग्रेटेड बीएड कर रहे हैं, यह कर लीजिए कि ग्रेजुएशन के बाद वाला सिस्टम आ जाता है उसमें इंटीग्रेटेड, मतलब कि एमएड करते हुए बीएड कर लेना इस प्रकार से, मतलब पीजी के बाद कर लीजिए, यूजी के बाद नहीं, पीजी के बाद, पीजी यूजी, एक मिनट, पीजी हो गया, यूजी हो गया, यूजी के बाद बच्चों, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, पीजी के बाद, पीजी के बाद, तो पीजी के बाद बच्चे ऐसे जो कि एक तरह से बीएड करने वाले हों या फिर बीएड कर रहे हों, कहीं इंटीग्रेटेड बीएड हो स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं बच्चे, तो ऐसे बच्चे को क्या करना है, उनको सेलेक्ट करना है 6, और ऐसे बच्चे जो एक तरह से 12th और ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं उनको सेलेक्ट करना है 5। कन्फ्यूजन नहीं होना है भाई, फिर से सुन लो, ऐसे बच्चे जो 12th और ग्रेजुएशन के बाद, मतलब ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं नॉर्मली जैसे बच्चे करते हैं, तो वह 5 सेलेक्ट करेंगे प्राथमिक में, और ऐसे बच्चे जो इंटीग्रेटेड बीएड कर रहे हैं वह 6 सेलेक्ट करेंगे प्राथमिक के लिए। और सेकेंडरी के लिए ऐसे बच्चे जो यूजी पीजी मतलब एक तरह से 50% पास हैं, है ना, सेकेंड पेपर के लिए, वह बीएड के लिए 2nd सेलेक्ट करेंगे। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना, ध्यान से रख लेना, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो सेलेक्ट बीएड वाले बच्चों को तो नीचे कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। और अगर डीएलएड के एग्जाम के लिए ऐसे बच्चे जो डीएलएड के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सारे क्लासेस भी मैंने कंप्लीट करा रखे हैं, आकर देखना शुरू कर दीजिए बच्चों, क्योंकि आपका भी पेपर बहुत नज़दीक है, मई लास्ट तक एनी हाउ किसी भी सूरत में आपके पेपर में भी स्टार्ट हो जाए, अन्यथा 15 जून से पहले पहले निश्चित रूप से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग आ जाइए प्लेलिस्ट में, सारे क्लासेस देखना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।